किस धनुष में जरा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करते उसे क्या कहते हैं? इसे भाषा कहते हैं। इसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, भाषा अर्जित संपत्ति। भाषा अर्जित संपत्ति। भाषा का तीन रूप क्या क्या है? भाषा के तीन रूप क्या क्या है? इसका तो मौखिक भाषा, द्रव्य श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में विचारों को व्यक्त करते हैं लिखकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखकर। हिंदी विकास कौन सी भाषा है? छठा तो हो जाएगा डी, अपरम भाष। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका सी, सोशियल। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सूझा है? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा मोहन राम मोहन राय। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? पाप, अपराध, द्रोह, त्रुटि। इसको राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रुटि। कौन सी हिंदी भाषा की भाषा नहीं है? कौन सी हिंदी भाषा की भाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, मराठी, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी, यानी सी। सही विकल्प को चुनिए। भाषा अस्थाई होती है? भाषा अस्थाई होती, भाषा अस्थाई होती है हिंदी मौखिक लिखित सांकेतिक। भाषा अस्थाई होती है मौखिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। हिंदी शास्त्रों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शास्त्रों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी फारसी, डी संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी। अरबी फारसी। तेरह, विश्व में बोली जाने वाली मुस्लिम भाषाओं में हिंदी हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी चौथा, सी छठा, डी दसवां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चौथा। विकास की दृष्टि में पर्यटन लाभों का अर्थ क्या है? विज्ञान की दृष्टि में पर्यटन लाभों का अर्थ क्या है? ए कम समय में अधिक बोलना, बी शीघ्र बोलना, सी उच्चारण की सुविधा, डी बोलने की आवश्यकता। चौदह का राइट आंसर हो जाएगा सी। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ए चार, बी पाँच, सी आठ, डी दस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? गैल भैल भोजपुरी, भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक, बी वर्ग भाषा भूतकालिक, ए अवधि वर्तमानकालिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भोजपुरी भूतकालिक। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली जाती है? बोलते हैं ए गुजराती, बी पंजाबी, सी बंगाली, डी राजस्थानी। 18 का इस तरह आंसर हो जाएगा सी, यानी पंजाबी। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? इस तरह के पाकिस्तान हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा का है? संस्कृत। इस तरह के हो जाएगा सी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारतीय। इसका राइट आंसर है भारतीय। आर्थिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? आर्थिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? आर्थिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? इसका राइट आंसर है ए रूंडा, बी खासी, सी तमिल, डी तिब्बत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रूंडा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? ए काकेशियन परिवार, बी तीन भाषा परिवार, सी रोमांटिक अमेरिकी परिवार, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। का राइट आंसर हो जाएगा बी तीन भाषा परिवार। निम्न में से कौन सी भाषी प्राचीन भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है?
चौबीस का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पंजाबी। निम्न में से दलित परिवार की भाषा कौन सी है, निम्नलिखित पदों दलित परिवार की भाषा कौन सी है, ए असमिया, बी कन्नड़, सी बंगला, डी उड़िया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कन्नड़।